हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी जो अपना 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। प्रेस रिलीज किया गया था, जिसमें GSTR 1, GSTR 3 भी, GSTR 4 पे जो लेट फी का डिसीजन लिया गया था वेव ऑफ करने का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम जानते हैं कि ये GSTR 1, GSTR 3 भी, GSTR 4 का क्या नोटिफिकेशन आया है। इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 75, 76 एंड 77 दिया है हम लोगों की जानकारी के लिए, और ये अब अप्लीकेबल हो गया है। ये चीज हमें सबसे पहले, या तो इसे हम, हमारी जो सरकार ने अभी इसे रिलीज किया है इस नोटिफिकेशन को, उस पर हम एक नजर रखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 75/2018। आप यहां देख रहे हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है, जिसे सुपरसीड कर दिया गया है, और यह है 75 नोटिफिकेशन नंबर 75 अब जो है अप्लीकेबल होगा, बाकी सारे को सुपरसीड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 75 कहता है GSTR 1 के बारे में बता रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसे हाईलाइट करते चलते हैं। हम देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR 1 फॉर द मंथ्स या क्वार्टर्स फ्रॉम जुलाई 2017 टू सेप्टेम्बर 2018 बाय द ड्यू डेट बट फर्निशेस द सेड डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 1 बिटवीन द पीरियड 22 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019। ये GSTR 1 का डिसीजन इन्होंने दिया है वेव ऑफ करने का, पेनाल्टीज का। हम सब जानते हैं, जिन लोगों ने, ये कह रहा है यहाँ पे कि जिन लोगों ने अपना GSTR 1 जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2018 तक, यानी कि स्टार्टिंग जब से GST आया है तब से लेके सितंबर 2018 तक जिन्होंने नहीं फाइल किया है रिटर्न, वो अब 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक अगर करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम देखते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हैं बहुत सारे नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है। इन सारे नोटिफिकेशन को अब सुपरसीड कर दिया गया है, और अब सुपरसीड करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है वो है नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। ये नोटिफिकेशन नंबर चलेगा। एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जीएसटी में बहुत सारी चेंजेज हो रही हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चेंजेज करती जा रही है, तो इसके लिए हमें बेटर होगा कि ये जितने नोटिफिकेशंस आपके पास होते हैं, अभी डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक्स दे दूंगा, उस लिंक्स से आप PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिए, क्योंकि जब असेसमेंट होगा GST का, उस समय पे इतनी चेंजेज याद नहीं रहेगा, और उस टाइम हमें क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑफिसर्स को, GST इंस्पेक्टर्स को, GST सुपरिंटेंडेंट को, GST ऑफिसर जो भी आएंगे। तो आइए हम जानते हैं GST नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 में ये GSTR 3B के बारे में बताया है। इन्होंने यहाँ लिखा है कि हियर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेल्यूर टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 ऑन वार्स बाय द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25 रुपीज फॉर एवरी डे फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्यूर कंटेंट। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि पहले 25 रुपये का पर डे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टैक्स बनता था उनके लिए था पेनल्टी के रूप में, यानी कि 25 रुपये से ऊपर जो होता था वो अब आप, यानी 25 वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये 25 रुपये का मतलब हो गया CGST और SGST दोनों मिला के 50 रुपये आपको पर डे हो गए थे। अब क्वेश्चन था कि नील टैक्स वालों का, जिनका टैक्स नील था,
यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिनका टैक्स नील था उनका लगता था रुपया 10, 10 रुपये 10 रुपीज पर डे, यानी 10 रुपये CGST और 10 रुपये SGST, यानी 20 रुपये टोटल लगते थे पर डे के हिसाब से। वो अब वेव ऑफ हो जाएगा, हो गया, और इन सब को सुपरसीड करके अब जो रूल आया है वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल एक्सटेंड वेव्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017, यानी स्टार्टिंग से जीएसटी स्टार्टिंग से लेके सितंबर 2018 सितंबर 2018 तक जो फाइल नहीं किए हैं, अगर वो अब करते हैं, कब से करते हैं, तो 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, तो उन्हें GSTR 3B फाइल करने पे जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। ये हमें ध्यान रखना है कि जो 22 तारीख से, ये अभी कोई जो हम लोगों ने कर दिया है पेनल्टी जमा कर दिया है, उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो वेब ऐप होगा कि नहीं। हालांकि ये गवर्नमेंट इसको करेगी, मुझे जहां तक उम्मीद लगता है कि वो जरूर नोटिफिकेशन लाएगी, इस पे विचार किया जाएगा, अदरवाइज ये बात वो हो जाएगी कि एक को आप दे रहे हो और मतलब कुछ व्यापारी जो है जिन्होंने टैक्स जमा कर दिया, रिटर्न जमा कर दिया लेट फी के साथ और पेनाल्टीज के साथ, उनका आप वेव अप नहीं कर रहे हो और नए को आप मौका दे रहे हो, तो ये चलेगा नहीं, ये सही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इस पे जरूर विचार करेगी, ये जैसा जहां तक हमें उम्मीद है, तो देखते हैं आगे क्या करती है सरकार, इस पे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड्स लिए हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दिया है 77/2018। ये नोटिफिकेशन जो 77/2018 आया है, ये है कंपोजिशन डीलर के लिए। कंपोजिशन डीलर जो क्वार्टरली रिटर्न GSTR 4 भरते थे, ये उनके लिए है। आप यहाँ पे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए हैं, इन सबको सुपरसीड किया गया है, और इन सबको सुपरसीड करके अब हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है 77, इसके इस पैराग्राफ को आपको ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर द अमाउंट ऑफ लेट फी, हम इसे हाईलाइट करते हैं, लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल एक्सटेंड वेव्ड फॉर द, ये वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4 द क्वार्टर्स फॉर द क्वार्टर्स फ्रॉम जुलाई 2017 टू सेप्टेम्बर 2018, ये जुलाई 2017 से सेप्टेम्बर 2018 तक जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने में फेल हो गए, नहीं कर पाए, वो अब कर सकते हैं 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019, यानी 22 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019 तक, तो उन्हें पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होगी। अब क्वेश्चन यह है कि हम 22 सेकेंड ही क्यों लिया जा रहा है, तो दोस्तों हमें अगर याद होगा तो आप लोग ध्यान करें, थोड़ा बैक जाए, तो आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को ही प्रेस रिलीज आया था, जीएसटी काउंसिल का 31st मीटिंग हुआ था जिसमें ये सारे डिसीजन लिए गए थे और उसका नोटिफिकेशन आ गया। ये बहुत ही न्यू ईयर के लिए गिफ्ट माना जाएगा मोदी सरकार के लिए, या हम माने तो इलेक्शन गिफ्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करना शेयर करना ना भूलें, साथ ही अगर आप मुझे कोई क्वेरी हो कोई सजेशन हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8448610923 पे। वन थिंग आई रिक्वेस्ट कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें, आपके क्वेरीज का जवाब जरूर मिल जाएगा। कॉल अटेंड करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत सारे कॉल्स होते हैं जो अटेंड करना मुश्किल है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी का रिप्लाई निश्चित ही दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।